आवाज आ रही है मेरी? हेलो, अब आवाज आ रही है मेरी स्टूडेंट्स? ओके शाहिदा, ठीक है. ठीक है, आपको मैंने एक मैसेज दिया था ग्रुप में भी, और लास्ट क्लास में जब यहाँ क्लास हुई है तो सिर्फ दो स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे. ठीक है, प्लीज़ आप सीरियस हो जाओ अपने. अब फाइनल मैंने आपको कहा है कि आज मंडे है, ठीक है, और मंडे को आप सब ने मुझे अपने टॉपिक्स लिखवा देने हैं और फाइनल कर देने हैं मैंने. ठीक है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना स्टूडेंट्स? और अभी तक सिर्फ 7 स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. ग्रुप वन के कौन से मेंबर्स प्रेजेंट हैं? अच्छा, क्लास में आपको ना ये एक लिस्ट भी इसमें अपलोड कर रही हूँ, वो आप लोग देखें. लास्ट क्लास में 3-4 स्टूडेंट्स थे जो जिनकी मेरे से डिस्कशन हुई थी, और उनको मैंने उनके टॉपिक फाइनल कर दिए थे, जिसमें थी फरहीन और मारिया तुफैल. ठीक है, सुंबल जफर, आप ग्रुप 1 में. एक सेकेंड, मैं लिस्ट अपलोड कर रही हूँ, आप लोग देख लें.
जी आवाज आ रही है सोभी आपको? हेलो। अच्छा ठीक है, सब लोग अपने मोबाइल्स पे अपने ये लिस्ट मैं सेंड कर रही हूँ, व्हाट्सएप कर रही हूँ, ठीक है? ये देखें, जी हेलो। सोबिया, मारिया, मुनीर, सुंबल, जफर, आयशा, तारिक, आप आवाज आ रही है? ओके मारिया, ठीक है, मैंने ग्रुप में ये लिस्ट सेंड किया, आप लोग देखो। अच्छा, और एक और चीज़ है, आपके भी 8 ग्रुप है ना टोटल, 5 5 के, तो ऐसा करो कि ना इसमें से मैं ना एक एक स्टूडेंट्स को निकाल रही हूँ और 2 ग्रुप्स और ऐड कर रही हूँ, ठीक है? फरहीन का है लिस्ट, क्लियर है आपको? ये दोबारा पिक्चर बनाऊँ? ठीक है। अच्छा, इसमें से एक जो टोटल 8 ग्रुप्स है उसमें से मैं एक एक स्टूडेंट्स को निकाल रही हूँ, ठीक है? और अब मुझे या तो खुद अगर सेंड करनी है तो फरहीन को वो के मुझे एक नई लिस्ट बना के नाम से जैसे आगे पीछे नाम करने है, क्योंकि मैंने बात की है तो वो कह रहे हैं कि 5 स्टूडेंट्स नहीं, 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाएं, क्योंकि पब्लिकेशन के लिए आगे जब काम करवाना है ना तो उस पर वो थोड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप लोग 5 5, तो इसलिए 5 के ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है? ठीक है, ग्रुप 1 सामने आए। इसमें से मैं मरियम जफर है, सुंबल जफर है, मुनज़ा फयाज, साइमा यासीन और सुंदस गफूर, और अभी प्रेजेंट है यहाँ सुंबल जफर, और कौन है प्रेजेंट यहाँ ग्रुप 1 का? हाँ जी, 4 लोगों का ग्रुप बनाना है। हरम, और कोई भी नहीं है संबल? यार यही तो मसला है ना कि किसी दिन एक बंदा आ जाएगा, अगले 4 दिन मुझे इस तरह का नहीं। अभी आप लोग मुझे आज फाइनल अपना बताओ, ग्रुप 1 में संबल प्रेजेंट होना, आप मुझे अपना टॉपिक फाइनल कर दो मुझे आज, ठीक है? और मैं खुद से ही फिर एक्सक्लूड कर दूँ एक एक लड़की, या आप लोग खुद से मुझे बताओगे? और आपकी सीआर कहाँ है? आयशा, उससे कांटेक्ट करो, उसको मैसेज करो कि ऑनलाइन आए, क्योंकि उसका नाम मुझे यहाँ शोर नहीं हो रहा। इसी में सारा टाइम हमारा निकल जाता है, पहले तो सिस्टम का इश्यू आ रहा होता है और फिर ये। ठीक है, खुद अगर आपने मुझे बताना है लेकिन मुझे आज ही अभी फाइनल करके बताओ, ठीक है? मजीद हमने टाइम नहीं, और लास्ट क्लास में भी कोई नहीं आया था, यहाँ सिर्फ 2 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे,
जो लास्ट वीक में यहाँ क्लास थी, ठीक है, वो भी क्या वजह थी? आप लोगों को तो अब खुद आगे आगे होके काम करवाना चाहिए अपना। देखिए प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, इसमें मुझसे ज़्यादा ना आपका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है आपकी, ठीक है। सुंबल जफर, आपने ECG इंटरप्रिटेशन के बारे में मुझे कोई आर्टिकल सेंड किया है? आयशा तारिक, ये अब आपकी ड्यूटी है कि आपने, दोनों CR एब्सेंट हैं, ठीक है, और आपने अब क्या करना है? आपने जो सा है वो मुझे लिस्ट, ये जो मैंने आपको सेंड की है ना, इसमें से एक एक लड़की खुद से उनसे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। मैं इसलिए कह लूँ कि बाद में आप सब डिस्टर्ब ना हो, ये ना कहना है कि जो सा मैडम ने मुझे, हमें इस ग्रुप से ने मुझे क्यों निकाला, उसमें से क्यों निकाला। तो इसलिए खुद से अगर आप बनाना चाह रहे हो तो चार चार लोगों के ग्रुप मुझे अभी within 1 hour, ठीक है, नेक्स्ट क्लास अगर कोई नहीं आपकी तो मुझे, या उससे नेक्स्ट आवर मेंबरशिप कर देना। आयशा तारिक, सुंबल, आप मुझे अभी फ़ौरन सेंड करो, 1 मिनट ठहरो, मैं आपको अपनी ईमेल आईडी सेंड कर रही हूँ सब स्टूडेंट्स को, ठीक है। ठीक है, फिर मैं खुद ही बना देती हूँ, ठीक है, अगर ऐसे नहीं ला सकते। मैं एक एक रैंडमली, क्योंकि मैंने ये लिस्ट आगे दी है, उन्होंने कहा कि आप 5 की बजाय 4 का ग्रुप कर दें, ठीक है, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ, और इसमें हिलाने की भी कोई बात नहीं है। अभी आपका प्रोजेक्ट वर्क है, उस पर कोई सीरियस ही नहीं है, आप खुद देखें। आप 5 लोग होके भी सीरियस नहीं है तो ठीक है, फिर 4-4 ही बेहतर है। ये लो, ये मैंने अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दी है, ठीक है, और मुझे आर्टिकल्स जो हैं वो अपने टॉपिक से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो मुझे सेंड करो, और टाइटल बनाओ, जल्दी से टाइटल बनाओ अभी। ग्रुप 1 सोमबल जफर, और आपके बाकी जो फेलोज हैं वो एब्सेंट हैं, ऐसे ही है ना? ठीक है, हरम नशीन, आप ग्रुप 2 में है, आप अपना टॉपिक मुझे बताएं, बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको। सुंबल जफर, ये ड्यूरिंग क्लास ही, ठीक है, अब मैं दूसरे ग्रुप से बात कर रही हूँ, आप मुझे अभी फ़ौरन से अपने टाइटल और जो आर्टिकल है ना वो सेंड करो, मुझे मेल कर दो, अगर व्हाट्सएप पे करना है तो मुझे पर्सनली कर दो व्हाट्सएप पे, और अपना नाम भी लिख देना, ठीक है जी। ग्रुप 2 हरम नशीन, आप मुझे अपना टॉपिक बताओ, सब लोग तैयार रहें सब ग्रुप्स के, ठीक है। अब जो प्रेजेंट है मैंने उस पर सिर्फ टिक किया है, और ये मैंने लिस्ट फिर आगे दिखानी है, ठीक है। अभी आप लोगों और जो बाकी बात रही ना स्टूडेंट्स की 4-4 के, वो मैं खुद कर रही हूँ, ठीक है, किसी को एतराज़ तो नहीं है अब, क्योंकि CR या कोई लड़की करती फिर आप उस पर बोलते कि क्यों किया उन्होंने। हेरसमेंट इन नर्सिंग पे क्या करना है? मैंने लास्ट भी कहा था, आपने मुझसे कुछ भी शेयर नहीं किया। आरम, क्या हैरेसमेंट इन नर्सिंग क्या करना चाह रहे हो, किस में क्या देखना चाह रहे हो, किस कोई इम्पैक्ट देखना चाह रहे हो हैरेसमेंट का इन नर्सिंग प्रोफेशन, या कोई नॉलेज चेक करना चाह रहे हो? ये कोई स्टेटमेंट नहीं है हैरेसमेंट इन नर्सिंग, ठीक है। टू मंथ्स होने वाले हैं, आप लोगों को ये चीज़ बताते हुए बहुत टाइम लग गया, अब जल्दी से मुझे आज में ही ये सारा कुछ काम करके दिखाओ। आरम, मुझे सेंड करो, मैंने आपको ईमेल आईडी भी अपनी सेंड की है और अपना व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है ना, तो उस पर आप मुझे जल्दी से शेयर करो, मैं भी देख रही हूँ कौन मुझे शेयर कर रहा है कौन नहीं, ठीक है। और ग्रुप 2 के कौन कौन से लोग प्रेजेंट हैं हरम नशीन के अलावा?
ग्रुप टू के और कोई नहीं प्रेजेंट? मैं दोबारा पूछ रही हूँ, मैं ग्रुप थ्री पे आ रही हूँ फिर। ठीक है, ग्रुप थ्री। गुलाम, फातिमा, मरियम सहर, ममूना, खुदा बख्श, इरम शहजादी और खुश नसीबा, इनमें से कौन प्रेजेंट है अभी? यार प्लीज़ क्विकली मुझे रिप्लाई करो इधर। गुलाम फातिमा, मरियम सहर, ममूना, खुदा बख्श, इरम शहजादी और खुश नसीबा। मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? साइमा, नोरीन, क्या है साइमा? आप कौन से ग्रुप में हो? मैं ग्रुप थ्री की बात कर रही हूँ, आप क्यों भी सेंड कर रहे हो मुझे? ग्रुप फाइव वाले बाद में आए, मैं अभी बारी बारी आ रही हूँ ना, अभी मैं ग्रुप थ्री से डिस्कशन कर रही हूँ, ठीक है? ग्रुप थ्री, और ग्रुप थ्री में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है मुझे लग रहा है। मेमूना, आप तो प्रेजेंट थी? हाँ जी, मरियम सहर, ग्रुप थ्री, वाटर कॉन्टेमिनेटेड डिजीज, टाइफाइड फीवर पे कर रही हैं। मुझे पूरा टाइटल बना के सेंड करो, ठीक है? व्हाट्सएप पे करो और अपने आर्टिकल्स भी मेरे से शेयर करो अभी फ़ौरन। अभी तक ग्रुप वन टू का कुछ भी नहीं मुझे रिसीव हुआ। अच्छा, अभी आवाज आ रही है सोबिया? सबा, सबा ने ग्रुप थ्री से डिस्कशन कर रही हो ना अभी, तो ग्रुप थ्री पहले टू वाले क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे मुझे आप सेंड कर दो, ठीक है? अभी आप प्रेजेंट हो ना, मुझे अभी अभी सेंड करो, मैं ड्यूरिंग लेक्चर डिस्कशन करना चाह रही हूँ आपसे, ठीक है? ग्रुप थ्री में नूरीन तो फैल का नाम मिसिंग है। अच्छा, जो ग्रुप वन है ना उसमें से सुंदर सफूर को एक्सक्लूड कर रही हूँ मैं, ठीक है? और ग्रुप टू में से नाइला बूटा को, ग्रुप थ्री में से खुश नसीबा को, और ग्रुप फोर में से इकरा मकसूद को, और इनका ग्रुप नंबर नाइन है, ठीक है? अच्छा जी, ग्रुप नाइन वाले अपना ये सुन ले, ग्रुप मेंबर्स के नाम, ठीक है? सुंदर, नाइला बूटा, खुश नसीबा, इकरा मकसूद। पिक्चर भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ।
और ग्रुप 5 में से मुसर्रत परवीन, अच्छा एक ग्रुप ऐसा है जिसमें 3 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि 49 स्टूडेंट्स हैं आप, तो ग्रुप 10 के 3 मेंबर्स होंगे, लेकिन परेशान नहीं होना, काम तो हो जाएगा, ठीक है ना आपका। अच्छा ये आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखें। ग्रुप 9 और ग्रुप 10 के मैंने नेम सेंड कर दिए आपको, ठीक है हरम, ठीक है मैं देख रही हूँ, ठीक है। बाकी लोगों ने मुझे नहीं सेंड किया अभी, फिर ये मैंने आपको पहले भी उस दिन भी बताया था, सेक्सुअल हेरासमेंट अगेंस्ट फीमेल नर्सेज का सिस्टमेटिक रिव्यू, ये सिस्टमेटिक रिव्यू है, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्टिव स्टडी निकालना है इस पर। सिस्टमेटिक रिव्यू में उन्होंने लिटरेचर रिव्यू दिया होता है, ठीक है, डिफरेंट साइट से जो डेटा है वो लिया होता है और उसको कंपाइल किया होता है, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना, आपने तो एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी है क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, तो आप 7 क्रॉस सेक्शनल या डिस्क्रिप्टिव स्टडी लिख के ना उसको टाइप करके वो आर्टिकल्स निकालना। आई समझ है रहा? समझ नहीं आई? ये जो आपने आर्टिकल निकाला है ना, ये सिस्टमेटिक रिव्यू है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये डिफरेंट आर्टिकल्स जो उनसे होते हैं उसको स्टडी किया होता है और उसका लिटरेचर रिव्यू को कंपाइल किया होता है और फिर रिजल्ट्स दिए होते हैं, ठीक है, कि स्टडी में ये था, डिफरेंट साइड से स्टडी ली होती है। आपने डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी है क्रॉस सेक्शनल, तो साथ वो मेंशन करके फिर निकालें आर्टिकल्स। ठीक है जी, ठीक है। ग्रुप 3 का जो उनसे था वो मरियम सहर, आप भी मुझसे शेयर करें आर्टिकल्स अपने। अच्छा जी, ग्रुप 4 में फौजिया अला बख्श, सोबिया अला बख्श और फौजिया अख्तर और शाहिदा परवीन, इनमें से कौन प्रेजेंट है अभी? खुद ब खुद आप सामने तैयार रहे ना कि मैं ग्रुप 4 पे आ गई हूँ। आप आर्टिकल निकालोगे हरम तो फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। फौजिया अला बख्श ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स कौन से ले रहे हैं आप? इसको पढ़ा भी है कि सिर्फ ये निकाल लिया है टॉपिक? अच्छा एक ECG वाला जिसका टॉपिक है उसके मुझे रिसीव हुआ है यहाँ आर्टिकल, और ECG इंटरप्रिटेशन वाले को यहाँ सिंबल जफर, ठीक है सुंबल ये मैं पढ़ती हूँ। और हाँ फौजी आप बताओ अपना असेसमेंट ऑफ, आपने कहा कि नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स अमंग नर्सेस, क्या कौन कौन से हैजर्ड्स हैं ऑक्यूपेशनल? और बाकी ग्रुप मेंबर्स कहाँ हैं आपके? सोबिया, फौजिया अख्तर और शाहिदा परवीन।
ग्रुप 9 और 10 के आपको मिल गया लिस्ट? ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ हैं वो, मुझे पता चल रहा है उसके नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस पढ़ के ना, लेकिन इसमें कौन से ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स? आपने आर्टिकल पढ़ा है ना, आप मुझे थोड़ा सा बताओ क्या पढ़ा है आपने उसमें? अच्छा, तो आप इतना इतनी वास्ट स्टडी कर रहे हो, ठीक है, किसी एक चीज़ पे रहो, नीडल स्टिक इंजरी पे रहो, कीमोथेरेपी भी आप उसमें कर रहे हो, और इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, कोई एक चीज लो, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स में कोई एक चीज पे रहोगे ना तो वो ज्यादा अच्छा है। और आप मुझसे भी शेयर करो आर्टिकल। ये जो आपने इस पे आर्टिकल पढ़े हैं ना, आप मुझे वो बेटा सेंड करो, ठीक है? ठीक है, मैं टिक कर रही हूँ जो जो प्रेजेंट है, मैं देख रही हूँ कि कौन डिस्कशन का पार्ट बन रहा है, ठीक है? फौजिया अल्लाबख्श है इस ग्रुप में, और शाहिदा परवीन जो प्रेजेंट है अभी, सोबिया और फौजिया, सोबिया भी प्रेजेंट है, अच्छा ठीक है, और फौजिया अख्तर प्रेजेंट नहीं है, ऐसे ही है ना, मुझे तो यहाँ शो नहीं हो रही है। ठीक है फौजिया, आप मुझे मेरे वो जीमेल जो अकाउंट मैंने आपको वो आईडी सेंड किया उस पर सेंड करो अपने आर्टिकल फौरन। ठीक है, अच्छा जी, ग्रुप 5 की तरफ मैं आ रही हूँ। ग्रुप 5 में मारिया तुफैल है, आयशा मुजफ्फर है, फौजिया बतूल और मारिया मुनीर, इनमें से कौन प्रेजेंट है? क्विकली रिप्लाई करें मुझे। हाँ, मारिया तुफैल, आयशा मुजफ्फर, फौजिया बतूल, मारिया मुनीर में कोई भी प्रेजेंट नहीं है इनमें से। देखिए मैं बार बार पीछे की तरफ ग्रुप्स को नहीं डिस्कस कर सकती, मुझे बाकी बच्चों को भी टाइम देना है। मारिया तो फैल तो लास्ट वीक में आई है, लेकिन अभी यहाँ मुझे कहीं शो नहीं हो रही। फौजिया बतूल भी नहीं है, आयशा मुजफ्फर, मारिया मुनीर। ठीक है, ग्रुप 6 की तरफ मैं आ रही हूँ, और ग्रुप 6 में हैं समीना शरीफ, मारिया गुलाम गोस, रोजीना असद और साइरा है के साइमा नोरीना है। ठीक है, ग्रुप 6, मारिया गुलाम गोस, मारिया गोस को मुझे लगता है प्रेजेंट थी। स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज आ रही है? रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? ग्रुप 6 वाले भी कोई नहीं है, ग्रुप 5 वाला भी कोई नहीं है, और ग्रुप नंबर 6 में से भी कोई नहीं रिप्लाई कर रहा। साइमा नोरीन, ठीक है, आप ग्रुप 6 में हो, ठीक है, और आप मुझे बताओ क्या आपका क्या टॉपिक है, आप लोगों ने कोई डिस्कशन ही नहीं की। ठीक है, अच्छा ग्रुप 6 वालों जाग जाओ, बाकी सब लोग जाग रहे हैं और जो ग्रुप मेंबर्स है ना वो ही नहीं बता रहे। अच्छा जी, क्या है? असेसमेंट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग रेटिनोब्लास्टोमा अमंग नर्सेज। इसमें मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा ये टॉपिक, साइमा, रेटिनोब्लास्टोमा।
आपके सारे ग्रुप मेंबर्स का इसी में इंटरेस्ट है। कोई और स्टडी देखो, मुझे आप दो तीन सेंड करो, ठीक है? फिर मैं आपको बताती हूँ किस पे करना है। ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, आप इस पे ना करो, कोई और देखो अच्छा सा। साइमन और रीन, आपको कह रही हूँ मैं, और आपके साथ कोई मेंबर प्रेजेंट नहीं है। मैं रिपीटेडली बुला रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? और बाकी मेंबर साइमा के अलावा कोई भी नहीं प्रेजेंट। ऐसे ही है ना साइमा? फिर आप कल को कहोगे कि हम तो वहीं थे, हमें आवाज़ नहीं आ रही, ये वो। बाकी लोगों को भी आवाज़ आ रही है। अब ये देख लो साइमा, आपका आप अपना टॉपिक चेंज करो, मुझे नहीं पसंद आया। मारिया गोस, हाँ रिसर्चेस कम हुई है, आप देखो ना, ठीक है। लेकिन आप ये भी देखो कि आपको क्या इससे रिलेवेंट डाटा मिल जाएगा। फिर अगर रिसर्चेस भी कम हुई हुई हैं, आपको लिटरेचर रिव्यूज मिल जाएंगे, ठीक है ना? आप ऐसा देखो जिस पे ज़्यादा स्टडीज हुई हो, ताकि आपको अपनी रिसर्च से तो रिलेटेड जो है वो हेल्प मिल सके। मारिया आप इतनी लेट आई हो हैं, आपको समझ आ रही है? मारिया और साइमा, आप लोग अपना टॉपिक चेंज करें, मुझे ये पसंद नहीं आया। ओके, कुछ और निकालो, दो तीन आर्टिकल्स और निकालो, ठीक। ग्रुप 6 आपसे बात हो रही है अभी, ठीक है? ओके, अभी टाइम थोड़ा है और आप लोग बहुत स्लो रिप्लाई कर रहे हो। बाकी बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे हैं। अच्छा, मारिया घोष ने क्या मैसेज किया? मैम फिर नॉलेज रिगार्डिंग ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड क्या करोगे? इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं मारिया। ड्रग एडिक्शन पे क्या करना चाहोगे? किससे नॉलेज लेना है? नर्सिस से लेना है? खुद से क्या पूछोगे ड्रग एडिक्शन का, या उनको क्या फायदा मिलेगा? हरम, आप अगर आपको सारे सिस्टमेटिक रिव्यू मिल रहे हैं, तो आप कोई डिस्क्रिप्टिव स्टडी किसी और चीज पे निकाल लो, ठीक है? आपने सिस्टमेटिक रिव्यू नहीं करने, आपने सिर्फ आर्टिकल्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्टिव या क्रॉस सेक्शनल या ऑब्जर्वेशनल स्टडीज निकालनी है, ठीक है? अच्छा जी, आगे मैं ग्रुप 7 की तरफ आ रही हूँ। तो फिर आपको टॉपिक चेंज करना पड़ेगा अगर आपको डाटा नहीं ना मिल रहा। देखो, कल को आप इससे रेलिवेंट एक आर्टिकल भी आपका निकल आता है, लेकिन कल को आपने इससे रिलेटेड मजीद रिसर्चेस पढ़नी है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं। एक नहीं, कोई 50-50 आर्टिकल्स को रीड करना है अच्छा सा, उसमें से देखना है कि मेरे मतलब की क्या चीज़ है, वो निकाल के अपने आर्टिकल में डालनी है, ठीक है? उसको आपने पैराफ्रेज करना है, तो फिर आपको कल को मुश्किल होगा। हाँ बेटा, आप और कुछ देख लो, और क्या नाम है, हरम नशीन, आप भी अगर आपको नहीं मिल रहा डिस्क्रिप्टिव, तो आप भी कुछ और देखो, ठीक है? लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं मैं दूंगी आपको, कल तक मुझे सब सेंड कर दो। कल क्लास नहीं है, लेकिन आपने मुझे कर देना है मेरे मेल पे या व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है मारिया, और हरम नशीन आपको भी समझ आ गई है ना? अच्छा जी, ग्रुप 7 में है फरहीन शकील, आयशा तारिक, आयशा अब्दुल रजाक और आमना मकसूद। आयशा रजाक और आयशा तारिक प्रेजेंट हैं ग्रुप 7 से, ठीक है? आप बेटा बताओ अपना, कोविड का है तो मुझे आर्टिकल तो अभी तक फरहीन ने सेंड नहीं किया। उसने मेरे से पूरी डिस्कशन की है, उस दिन बैठ के यहाँ सर्च भी की है काफ़ी, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स निकाले हैं, यहाँ तक के क्वेश्चनर वगैरह भी देख रहे थे वो लोग।
और मैंने ये भी तरीका बताया कि आपने क्वेश्चनेयर कैसे ऑथर से मंगवाने हैं, ठीक है, जो जिसका जिससे रिलेटेड टॉपिक मिल रहा है ना, जिसके मैंने कैंसिल किए हैं ना, जो मुझे पसंद नहीं आए टॉपिक, जिस पे काम इतना नहीं हो सकता, वो आपने नहीं करने दो लोगों को, ठीक है। और बाकी आयशा तारिक और आयशा अब्दुल रजाक, ठीक है, और बाकी जो कहाँ है परहीन और आमना मकसूद, वो दोनों ही एबसेंट हैं, ऐसे ही है ना। ठीक है, मुझे सेंड करो जल्दी। और बाकी आपका टॉपिक फाइनल है, ठीक है, वो अच्छा है, उस पर काम हो सकता है, और जिन लोगों ने मेरे पास आके उस दिन डिस्कस किया ना, उनको फायदा भी हुआ है। हाँ, उसको शूज लेने की पड़ी, उसको को क्लास क्यों नहीं ले रही? आपकी एबसेंट काउंट हो रही है यहाँ, पता है, पूरी अटेंडेंस लग रही है आपकी। अच्छा जी, ग्रुप 8 टाइम थोड़ा है, और ग्रुप 8 कहाँ है? नयाब अमीन, रोहिल सईद, शमा नज़ीर, शमीम तालिब। लास्ट क्लास में भी रोहिल थी, और रोहिल ने भी मेरे ख्याल से मुझसे कुछ डिस्कस किया था। अभी कौन प्रेजेंट है ग्रुप 8 में से? ग्रुप 8 सामने आए जल्दी से, रोहिल, ठीक है। रोहिल, आपने मुझे आपने मुझे कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? शमा भी है, शमीम तालिब भी है, ठीक है। पहला ग्रुप है जिसके 3 स्टूडेंट्स मुझे प्रेजेंट मिले हैं, और नयाब अमीन एब्सेंट है। अच्छा रोहिल, आप मुझे, और रोहिल, शमा और शमीम, आप अपना टॉपिक मुझे बताओ। एनीमिया वाला है, ठीक है, आपका भी, हाँ ठीक है, अच्छा टॉपिक है ये भी। ग्रुप 5 ने इमरजेंसी में सिलेक्ट किया टॉपिक, अच्छा, ठीक है। ग्रुप 5 का जो इन्फेक्शन कंट्रोल है, तो आप लोग फिर फौजिया बतूल, आप मुझे उससे रिलेटेड आर्टिकल सेंड करो, ठीक है। और आप पहले क्यों नहीं प्रेजेंट थे? आपका टाइम गुजर गया, अब बाकी बच्चों को भी टाइम देना है, ठीक है, जो कब से वेट कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है ग्रुप 8 वाले? अनीमिया वाला, ठीक है, आपका फाइनल है, और मुझे आर्टिकल सेंड करो। और आप अब सब अपने ऑथर्स को ना मेल कर दो, और अपने टाइटल्स बनाना शुरू कर दो जल्दी से। जिनके टॉपिक फाइनल हो गए हैं, उन वो अपने टाइटल्स को अरेंज करें, कैसे टाइटल बनाना है, ठीक है। उसका तरीका ये कि डिफरेंट आर्टिकल्स पहले आप निकालें, ठीक है, गौर से सुने सब। अच्छा आयशा मुजफ्फर, ठीक है, आप, आपका ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल वाला है, हाँ ठीक है, आपने मुझसे डिस्कस किया था, और मुझे आर्टिकल्स भी निकाल के दिखे। अच्छा, आप गौर से सुने, आपने जो टाइटल्स है ना, डिफरेंट होने चाहिए ना, देखें जो पहले स्टडीज हुई हैं, आपने उससे डिफरेंट हटके कुछ टाइटल बनाना है, ठीक है। काम बेशक उससे मिलता जुलता होगा, लेकिन आपका काम बाकी जब सामने आएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है। तो आपने डिफरेंट आर्टिकल्स को सामने रखना है, ठीक है, और उसके बाद आपने देखना है कि मुझे एक वेरिएबल उसमें से ले लो, एक उसमें से ले लो, और उसको आगे पीछे करके अच्छा सा टाइटल, कुछ न्यू हो, ठीक है, और वो मुझे आपने सेंड करना है, ठीक है। और फिर मैं देखती हूँ कि फिर उसको जिस तरह भी मैनेज करना होगा, ठीक करना होगा, वो मैं कर दूंगी, लेकिन आप उसको बनाना शुरू करो जल्दी। कल तक मुझे ये सब कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे फौरन से आपने कल सेंड कर देना है, कल इवनिंग पे 8 बजे से पहले पहले, ठीक है। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो आपने मुझे 8 बजे से पहले पहले सेंड करनी है, ठीक है। ग्रुप 8 तक डिस्कशन होगी, एनीमिया वाला आपका ठीक है, रोहिल ठीक है, आप भी मुझे जो मैंने चीज़ें बताई हैं, वो आप मुझे सेंड करो, और ऑथर को जो है आपने मेल करनी है क्वेश्चनियर के लिए, ठीक है। जो आपका रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स है ना, उन किसी एक को ना, बल्कि एक को नहीं, 3-4 को करते ना, जो पहले आपको रिप्लाई कर देगा ना, उसका आपने क्वेश्चनियर अडॉप्ट करना है, ठीक है। और उसका क्या तरीका है कि जब हम आर्टिकल को ओपन करते हैं, ठीक है, तो नीचे उसके ऑथर्स नेम आ रहे होते हैं, ठीक है ना, तो जो कोरेस्पॉन्डिंग ऑथर होता है ना,
उसके साथ मेल आईडी भी आ रहा होता है, एक लेटर का निशान होता है, ठीक है, उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जब क्लिक करेंगे तो सामने ही उसकी मेल ओपन हो जाएगी, मतलब उसकी मेल आईडी, और उस पर आपने रिप्लाई कर देना है कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करके उसको ग्रीट करके, उसके बाद आपने अपना लिख देना है कि आई एम स्टूडेंट ऑफ पोस्ट आर एन इन शालामार नर्सिंग कॉलेज एंड आई वॉन्ट टू डू स्टडी ऑन दिस टॉपिक। आगे टॉपिक लिख देना इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। काइंडली शेयर विद मी योर क्वेश्चनियर, ठीक है, ऐसे कर दो, या आई वॉन्ट टू यूज़ योर टूल और इंस्ट्रूमेंट। तो जब ये करोगे ना तो उसको खुद भी थोड़ा अट्रैक्शन होगी कि ठीक है, ये मतलब मेरी स्टडी में इंटरेस्टिंग है। तो जितनी बार आप उसकी नाम यूज़ करोगे ना अपने आर्टिकल में, तो उसको भी फायदा होगा, ठीक है, उसकी साइटेशन बढ़ती है। तो इसलिए आपने बड़े रिस्पेक्टेड वे में उनसे क्वेश्चनियर अडॉप्ट करना है। ओके, समझ आ गई है सबको? फोजिया बतूल, हरम नशीन, रोहिल, आयशा अब्दुल रजाक, आप सबको समझ आई है ऑथर को कैसे मेल करना है अपने क्वेश्चनर एडॉप्ट करने के लिए? ठीक है, फिर भी कोई मसला हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है, कुछ समझ ना आए तो। लेकिन ये आज ही, जिन जिन के टॉपिक फाइनल हो रहे हैं वो आज ही मेल करें, ठीक है। अच्छा जी, अब ग्रुप 9 वाले, सुंदस, नायला बूटा, खुश नसीबा, इकरा, मकसूद, इन चारों में से कौन प्रेजेंट है? सुंदस, नायला बूटा, खुश नसीबा, इकरा, मकसूद, ग्रुप 9 वालों सामने आ जाओ। आई एम वेटिंग बेटा, मैं चाह रही हूँ सारे ग्रुप्स कवर हो जाएं इसी क्लास में, ठीक है ना। फिर मैंने हर एक को टाइम देना होता है, और आप लोगों का डिस्कशन वाला काम जो था ना, वो सारा डिस्कस मैं कर रही हूँ, और मुझे आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है आपकी बेटा, ठीक है ना। सुंदस, नायला बूटा, खुश नसीबा और इकरा मकसूद में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ग्रुप 10 की तरफ आ रही हूँ मैं अब। मुसर्रत परवीन, मेमूना शकील और मेमूना शरीफ, इनमें से कौन प्रेजेंट है? जी, ग्रुप ग्रुप 10 में से कौन कौन प्रेजेंट है? मुसर्रत परवीन, इकरा मकसूद। हाँ जी, इतनी लेट रिप्लाई ग्रुप 9। आपको पता है ना कि आपका ये न्यू ग्रुप बन गया है, सुंदस, नाइला बूटा, खुश नसीबा और इकरा मकसूद, ठीक है। आप लोग अपना पर्सनल एक ग्रुप बनाओ पहले तो, ठीक है, और आप अपने टॉपिक जो आपने सोचा हुआ है ना वो आप सामने मुझे बताओ, ठीक है। अब चार मुख्तलिफ लोग हैं डिफरेंट ग्रुप्स में से, ठीक है, और तुम लोगों में से मुझसे किसी ने डिस्कस अभी तक नहीं किया, मुझे लग रहा है। इकरा, आपने मुझसे कुछ डिस्कस किया था टॉपिक, मुझे याद करवाओ अगर किया है तो। और कोई प्रेजेंट नहीं है ना आपके ग्रुप में से, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। सुंदस, नायला, खुश नसीबा प्रेजेंट नहीं है। इकरा आप बताओ बेटा। हाँ जी बेटा, रोल कॉल मैंने साथ साथ ले ली है, वो मैं साथ साथ सारे ग्रुप की, मैंने जो बंदा प्रेजेंट था ना उसकी मैंने टिक लगा दिया हुआ है, ठीक है। आपको सेंड करने की जरूरत नहीं, टेंशन ना लो, सबकी मैंने अटेंडेंस लगाई है, मुझे पता है। कहीं ग्रुप 4 में आपने किया था ना इकरा, आपने क्या मुझसे डिस्कस किया था उस टाइम? आपने मुझसे पर्सनली कुछ डिस्कस किया अपना टॉपिक? आप ऐसा करो, इन 3 लोगों से कांटेक्ट करो, ठीक है, ये आपका नया ग्रुप है, और ग्रुप 9, और अपना टॉपिक, एक नया टॉपिक जोन सा वो बनाओ। राबिया, आप कौन से ग्रुप में हो? राबिया परवीन, अच्छा ग्रुप 2 में हो आप, तो आप पहले तो प्रेजेंट नहीं थी जब मैंने ग्रुप 2 को डिस्कस किया था, कहाँ थे आप? मुझे सबका पता है, ठीक है, कौन प्रेजेंट है और कौन नहीं। आप क्लास के लास्ट में आ गई हो क्या? ग्रुप 2 का मैं दोबारा क्या बताऊं बेटा?
और जब मैं डिस्कस करती तब हरम नशीन थी और सबा नज़ीर थी, ठीक है, और तब राबिया परवीन नहीं थी। और कोशिश किया करो क्लास के स्टार्ट में आ जाया करो, ठीक है। सारी क्लास आपने पूरा टाइम वेस्ट किया और अब आप आ गए। कहाँ थी, मुझसे डिस्कस क्यों नहीं किया राबिया आपने, फिर अगर आप इधर ही थी तो। अच्छा ग्रुप 10 वाले, उन 5 मिनट्स रह गए हैं। ग्रुप 10 वाले मुसर्रत परवीन, ममूना शकील, ममूना शरीफ में कोई भी नहीं है। मैं दोबारा पूछ रही हूँ, फिर कहेंगे हम इधर ही थे। अच्छा ठीक है। राबिया, आप जो हरम ने और सोबिया ने मुझसे, उसने सबा ने डिस्कस किया था ना, ठीक है, आप उनसे पूछो जो मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई है। ठीक है, वो सारे मैं देख लेती हूँ सबके आर्टिकल्स। अब ग्रुप 10 वाले भी मेंबर्स यहाँ। अच्छा ममूना शकील आ गई है। ममूना अपना टॉपिक बताओ बेटा जल्दी से, 3 मिनट्स रह गए हैं। रबिया, हरम ने तो टॉपिक बताया था, लेकिन आप सबको सामने होना चाहिए ना। आप अलग से एक मेंबर हो, ठीक हो ना। ये तो नहीं ना कि आप, वो आ जाएगी और आप एब्सेंट रहोगे, फिर यहाँ भी टिक नहीं होगा, यहाँ भी प्रेजेंट नहीं लगेगी आपकी, ठीक है। आज मैंने लगा दी आपकी प्रेजेंट, लेकिन आपने जब डिस्कशन हो रही होगी तो आपने डिस्कशन का हिस्सा बनना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसे ना देखूं कि आप क्लास के लास्ट में आ रहे हो। आपकी तो मैंने अटेंडेंस अब लगाई है, क्योंकि तब आप थी नहीं। जो डिस्कस कर रहे हैं मैंने सिर्फ उसकी अटेंडेंस लगानी है। अच्छा जी, ग्रुप 10 वाले ममूना शकील, आप मुझे बेटा बताओ, जल्दी से अपना टॉपिक शेयर करो मेरे से। ममूना शकील, कुछ सर्च किया आपने कि नहीं? ठीक है। अच्छा ग्रुप 9 वाले और ग्रुप 10 वाले, आपका ग्रुप जाहिर है चेंज हुआ है भी, तो इसलिए आप को मैं कल परसों तक का टाइम देती हूँ। आपने परसों मुझसे जो चीज़ें मैंने सारी आपसे भी डिमांड की है ना, कि ये चीज़ें आपने मुझे सेंड करनी है, वो आप मुझे परसों कर देना। लेकिन बाकी जिनके टॉपिक फाइनल हो गए और जिनके पुराने ग्रुप्स थे, वो मुझे कल मुझसे शेयर कर लें, कल तक, ओके। और कुछ लोगों के अभी मुझे रिसीव हो रहे हैं, वो मैं अभी देख लेती हूँ, ओके। और कोशिश करनी है जो लोग एब्सेंट हैं उनको मैसेज दे दो कि आप लोग अगर अगर डिस्कस नहीं ना कर रहे मेरे से, तो ये अच्छी बात नहीं है, आपको ही नुकसान होगा, मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। टाइम से क्लास में एंटर हुआ करो, ठीक है, जब क्लास स्टार्ट होती है तो। ठीक है, कोई मसला, कोई कुछ पूछना है आपने मुझसे पूछ सकते हैं, अभी 1 मिनट रह गया है। सब चीज़ों की समझ आ गई है ना, जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, कि कैसे ऑथर से आपने क्वेश्चनेयर लेना है और टाइटल कैसे बनाना है, ठीक है। टाइटल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा उसको आपने खींच खींच के लंबा करना है, वो एक बिल्कुल मुनासिब होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।